बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा पर एक बार फिर से बवाल मच गया। बवाल किस बात पर, क्या है लाभ और क्या है हानि, तमाम चीजों पर करेंगे चर्चा। आखिरकार शिक्षक संगठनों की बैठक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट या परीक्षा का डेट निकलता है तभी क्यों होता है, और सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं उनको क्या होगा हानि, और जो वो नियोजित शिक्षक ही बनकर रहना चाहते हैं उनको क्या होगा फायदा, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे पूरे सबूतों के साथ। हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले कहना है कि हमारे इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए लगातार। दोस्तों आप तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के लिए आपकी हर समस्याओं पर काम करते आए हैं, रूबरू कराते आए हैं, आपकी समस्याओं को उठाते आए हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा पर मचे बवाल पर खास विश्लेषण। दोस्तों सक्षमता परीक्षा पार्ट टू का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है, बहुत सारे शिक्षकों ने भर भी दिया है। सक्षमता परीक्षा टू का फॉर्म 26 से 4 मई तक भरा जाना है, और इसी बीच शिक्षक संगठन जो बीच में शांत हो गए थे एक बार फिर से जागृत हो गए हैं, और जागृत ही नहीं वो बयान भी देने लगे। अलबत्ता पटना में खास बैठक भी किया गया बिहार शिक्षक एकता मंच की, जिसमें सभी नेतागण शामिल। अब देखिए जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं और जो अभी तक नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, दोनों के बीच उहापोह उधेड़ बुन की स्थिति बनी। अब कोई यह स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कौन गिरेगा और कौन उठेगा, कौन सफल होगा कौन असफल होगा, दोनों उधेड़ बुन। शिक्षक नेता तो कह तो जरूर रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं पास कर गए वो सरकार के जाल में फंस गए, काफी कुछ हानि होगा, जो नियोजित शिक्षक बच गए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। 90 दिन का समय है, 90 दिन के अंदर में अगर काम नहीं होता है तो सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ा होगा। आखिर क्या है 90 दिनों का राज, इन तमाम बिंदुओं को, क्या ऐसा नहीं कि सक्षमता परीक्षा का डेट नहीं निकला था फॉर्म भरने के लिए, उससे पहले नेताजी को यह साबित करना चाहिए था। कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का जब फैसला आया था, भले ही उसको बाद में आपने समझा तो 10 दिन बाद भी इस चीज को आप मुद्दा बना सकते थे, इस अच्छी चीज को शिक्षकों के बीच में वायरल कर सकते थे, शिक्षकों को बता सकते थे। जब आप प्रखंड वाइज प्रखंड करके शिक्षकों के आंदोलन को बड़ा रूप देते हैं तो क्या इस चीज को बताने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यशाला आयोजित नहीं हो सकता था? फिर भी जब जागो तब सवेरा, अगर शिक्षक संगठन अगर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो सक्षमता परीक्षा पास करके अपने नए स्कूल में जाएंगे तो विशिष्ट शिक्षक का एक लेवल लगाकर जाएंगे, एनपीएस का लाभ मिलेगा, और क्या मिलेगा, लेकिन यहां बहुत कुछ मिलेगा। क्या सच्चाई है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समझ में नहीं आता है शिक्षक उदयपुर में। बता दें कि 28 अप्रैल को केदार भवन पटना में बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक संपन्न हुई, राज्यस्तरीय आपातकालीन बैठक। इस आपातकालीन बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में कोई भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा टू में भी सम्मिलित नहीं होंगे। माननीय हाई कोर्ट पटना के आदेशानुसार बिना परीक्षा दिए सभी नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेचुएटी सहित नियमित शिक्षकों के समान सभी लाभ दिलाने के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच कृत संकल्पित है। कैसे
इसको पूरी खुलासा होनी चाहिए, तब जाकर शिक्षक रुकेंगे। और नहीं तो मैंने पहले भी प्रथम सक्षमता के समय में भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो है, फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, कुछ परसेंट शिक्षक रुके हुए हैं, लेकिन अंत समय तक वह फॉर्म भरेंगे। अगर शिक्षक संगठन पूरा पूरी की पूरी तरह से साफ परिदृश्य नहीं लाता है तो परीक्षा में भी शामिल शिक्षक होंगे। अगर साफ हो जाता तो फॉर्म भरने ही भर दिए हों, लेकिन वो परीक्षा नहीं देंगे। अब शिक्षक संगठन, देखिए यह कहना चाहेंगे आप तो शिक्षक नेतृत्व करता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यह जरूर है कि अगर सक्षमता परीक्षा में, सक्षमता परीक्षा एक में अगर शिक्षक फॉर्म भरे, परीक्षा दी और पास भी किए, तो इसका श्रेय बिहार के शिक्षक संगठनों का। आपने समय पर शिक्षकों को रोकने और समझाने का काम नहीं किया, जिसके कारण सभी शिक्षकों ने, ज्यादातर संख्या में शिक्षकों ने फॉर्म भरा और परीक्षा भी दिया। डर इस बात की भी लग रही थी शिक्षकों को, कैसा ना कि हम बच जाएं और नेतृत्वकर्ता जो हैं जिला प्रखंड स्तर के, वही परीक्षा का फॉर्म भर दे और परीक्षा दे देवे। इस डर का भी नतीजा अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, वही स्थिति है, बिल्कुल साफ नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार इस तरह से क्या कुछ कैसे चलेगा, शिक्षकों के बीच में समस्या पर समस्या बन रही है। कई शिक्षकों ने फोन किया कि सर हमने सक्षमता परीक्षा दे दिया है, पास भी कर गया, अपना जिला भी मिल गया है, लेकिन अब यह कुछ दो दिनों से क्या चल रहा है। अलबत्ता 28 तारीख को यह क्या हो गया, एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को खास लाभ मिलेगा। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो हैं, उनको काफी घाटा होगा, केवल लेवल लगाकर वहां जाएंगे। बहुत सारी बातें आ रही है, चिंता का विषय बन गया है। तो इस चिंता से दूर चाहे तो शिक्षा विभाग कर सकता है, या फिर जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, शिक्षक संगठन एक एक बिंदुओं पर शिक्षकों को समझाने का काम करे। जिस प्रकार से आपातकालीन बैठक बुलाया गया, तो यह आपातकालीन बैठक सभी शिक्षक है, यानी शिक्षक एकता मंच जो भी एक मंच पर आए हुए हैं, अपने अपने संगठन के सभी जिला अध्यक्षों को पटना के बैठक में बुलाए और उनको समझाने का काम करे, और वह जिला अध्यक्ष अपने जिले में जाकर सभी प्रखंड अध्यक्ष को बुलाकर समझाने का काम करे एक एक बिंदु पर, और वह प्रखंड अध्यक्ष अपने सभी पर, अपने प्रखंड के सभी शिक्षकों को प्रखंड मुख्यालय में बुलाकर उन्हें सही रूप से समझाने का काम करे। और नहीं तो फिर वही हाल होगा। बता दें कि बिहार नियोजित शिक्षक के जो है के पाठक ने सक्षमता परीक्षा पर दिया है बड़ा बयान, कहा 3 अटेम्प्ट, यानी कि आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षकों के 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं पास करने के लिए, 3 मौका दिया गया है। जो एक बार परीक्षा दे दिए और फेल कर गए तो उनके लिए 2 बचे हुए हैं, और जो पहली बार भरेंगे उनके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से जिस प्रकार से के पाठक भी ये अटेम्प्ट को आन के समझा रहे हैं, तो उनको भी स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि जो भी हो, सरकार की नीति तय हुई है और नीति के आधार पर क्या कुछ होता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि शिक्षक जो है पहले की तरह ही एक बार फिर से उधेड़ बुन में आ गए हैं, जो परीक्षा पास कर गए वो भी, और जो नहीं पास किए हैं वो भी। तो शिक्षक संगठन से हम आग्रह करेंगे, उनकी ओर से जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं, चाहे जो नियोजित शिक्षक है, उनकी मांग है, आप तक मैंने पहुंचाने का काम किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और नहीं तो सब कुछ अच्छा या बुरा होने पर शिक्षक संगठनों पर ही थोप दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, आप क्या क्या विचार है, आपके मन में क्या प्रश्न है, और क्या सही और क्या गलत है, कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपके अच्छे कमेंट से हम शिक्षकों तक कुछ मैसेज पहुंचाएं, आपके कमेंट के माध्यम से आपके कमेंट पर वीडियो बनाएं और शिक्षकों तक मैसेज पहुंचाएं और शिक्षकों की सही जानकारी मिल जाए। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।